हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अधर क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आभूषण, और आभूषण का टॉपिक पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, क्योंकि हर पेपर में आभूषण से प्रश्न पक्का आएगा। तो आज आप बने रहिए, आपको आभूषण का टॉपिक अच्छे से कम्प्लीटली याद करवा दिया जाएगा। हर बात आपके कंठस्थ होगी, बस साथ गाना पड़ेगा। गाते रहिए मेरे साथ, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जैसा कि अभी आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे आभूषण, और आभूषण में सबसे पहले सिर के आभूषण याद करने हैं। किसके याद करने हैं? सिर के। सिर के आभूषण में बस एक लाइन बोलनी है कि मेमन सिर पर टीकड़ा गोफणे रख दी। क्या बोलेंगे? मेमन सिर पर टीकड़ा गोफणे रख दी, और इसके बाद लिख देना एक बात, बोर बोरला और फूल गुदर। क्या बोला? मेमन सिर पर टीकड़ा गोफण रख दी। इसका मतलब देखो, आपने क्या बोला, मेमन सिर पर टीकड़ा गोफण रख दी, तो सिर पर मतलब ये सिर के आभूषण है। किसके आभूषण है? सिर के। और बोला क्या है? मेमंद टीकड़ा, मेमंद सिर पर टीकड़ा गोफण रख दी। इसका मतलब मेमंद सिर के आभूषण है, टीकड़ा है, गोफण है, रख दी का यहाँ पे रख दी नहीं करना है, रखड़ी करना है। क्या करना है? रखड़ी। एक बाद में बोर बोरलो जी को जानो ही होते के जानो बोर हो रहे बोरलो जी। दादी अपने पहले दादन ढूंढने जाती तो बोरलो लगाया करती, वही क्या है, बोर हो रहे बोरलो, छोटा बोर है बड़ा बोरला। एक है फूल गुद्दर, फूल है गुद्दर जो बाड़ा में पीछे लटकाए जो है गाल के, वो कौन सो है फूल गुद्दर। तो ए कौन सा आभूषण हो गया अपना? सिर का। एक बाद में माथे का ही, माथे का जी का, ललाट का जी का आभूषण है। बे एक लाइन याद रखनी है, सांकड़ी दामनी ताबित टिड्डी बलको, और शीश फूले सेरज। क्या बोलोगे? सांकड़ी दामनी ताबित टिड्डी बलको, शीश फूले सेरज। मेरे साथ बोलिए, सांकली दामनी ताबित टिड्डी बलको, शीश फूले सेरज। ये किसके हैं? आपके माथे के। दोबारा से बोलिए, सांकली दामनी ताबित टिड्डी बलको, शीश फूले सेरज। ये किसके रहेंगे? आपके माथे के। यानी आपने सिर के बात कर लिए याद, माथे के याद कर लिए। सिर का क्या है? मेमंद सिर पर टीकड़ा गोफण रख दी, और बोरला फूल गोदर पर, शीश फूल मत करना। सेरज किसका है? माथे का है। इसके बाद ललाट माथा में, सांकड़ी दामनी ताबित टिड्डी बलकुर, शीश फूल सेरज। अगले देखिएगा आप, अगले टॉपिक, अगले बात करें तो अगले आएंगे आपके कान के। किसके? कान के। कान में आपको गाना है, बस जोर जोर से इनके कान के आभूषण गा के बता देने, और बोलोगे जेला जमेला सुरलिया पाटी चुलिया एरंग पत्ता पीपल पत्रा टोहटी अंगूठिया। क्या बोलेंगे? जेला जमेला सुरलिया पाटी चुलिया एरंग पत्ता पीपल पत्रा टोहटी अंगूठिया। क्या बोलेंगे? जेला जमेला सुरलिया पाटी चुलिया एरंग पत्ता पीपल पत्रा टोहटी अंगूठिया। फिर अगली लाइन बोलेंगे, झुमका झुमकी झुमक रे लोंग मुरली मोरूवर से निकेसर गुड़दा गुपले। फिर अगली बात बोलेंगे, खीटली झूठणो माकड़ी कोकरू लटकन। क्या बोलेंगे? खीटली झूठणो माकड़ी कोकरू लटकन। दोबारा बोलो, जेला जमेला सुरलिया पाटी सुलिया एरंग पत्ता पीपल पत्रा टोहटी अंगूठिया। झुमका झुमकी झुमक रे लोंग मुरली मोरूवर से निकेसर गुड़दा गुपले। फिर बोलेंगे, खीटली झूठणो माकड़ी कोकरू लटकन। क्या बोलोगे? खीटली झूठणो माकड़ी कोकरू लटकन। एक बाद में देखियो, आगलो कुन से बाड़ा थे जानो ही कड़ गले कान में, और कुंडल भी कड़ गले कान में, कुंडल या कुंडली कड़ गले कान में। यानी बाड़ा है, कुंडल है, कुंडली ए नॉर्मल है जी का, सब का याद है, एम एग्जाम में कमी आवे। जी हाँ, कोकरू आ गई, मुर्की आ गई, लोंग मुरली आ जाओ, पीपल पत्रा एरंग पत्रा है, जेला जमेला। अब देखो, जेला का एक तो दे दे, या जेला या जमेला दे दे, कई बार जमेला नाम भी दे देता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये कान वाला भी याद हो गया। क्या था कान वाला? जेला जमेला सुरलिया पाटी सुलिया एरंग पत्रा पीपल पत्रा टोहटी अंगूठिया, झुमका झुमकी झुमक रे लोंग मुरली मोरूवर से नेकेसर गुड़दा गुपले, खीटणी ही झूठड़ो हो माकड़ी ही कोकरू लटकन। एक कहीं कान का। एक बाद में दोस्तों, आप कहीं का याद करांगा, कान का बाद में आ गया नाक का। कि का? नाक का। नाक का भी एक दो बार बोलूंगा, याद हो जाओगे, मेरे साथ साथ बोलियो, फिर आप पूरा टॉपिक एक साथ रिवाइज कर लेंगे शुरू से लेके लास्ट तक। नाक का है, चोप चुन्नी फिणी बेसरी वारी कांटा बावरा बावरिया बस्ती लटकन लूंग लथ बाणी बुला खेवन भोगली वेन बल्ली तिल्ली बावर कड़ी बोले बाकी बिहारी की जाओ। इंक बाद में दांत का बोलना ही अपन, तो दांत में की होगो? दांत में चूपे रख दी। इसका मतलब चूप का होगा, चूपे या फिर चुप्पा रख दी हो गया रखन।
क्या हो गया? रखन, यानी नाक में क्या बोले आप है? चोप चुन्नी फीणी बेसरी वारी कांटा बहुरा बहुरिया बस्ती लटकन लूंग नथ बाली बुला खीवण वोगली वे नबल ने तिल्ली बहवर कड़ी बोले बाकी बिहारी की जाओ। एक बाद में दांत का, दांत में चूपे रख दी, दांत में चूप रख दी तो चूप से होगा चूप और चुप्पा, और रखड़ी रख दी से होगा रखन। मुझे लगता है ये बात आपको याद हो गई है। इसके बाद देखो, जैसा मैंने बोला वैसे आप बार बार बोलते रहिए, ऐसे बार बार बोलोगे याद हो जाएगा। इसको दो तीन बार जैसे लय में गाइए, गाओगे तो याद होगा। ऐसे नहीं कि जो गाएगा उसको याद होगा, नहीं गाएगा उसको याद नहीं होगा, बस सीधी सी बात है। चोप चुन्नी फीणी बेसरी वारी काटा भवरा भवरिया बस्ती लटके लूंग लथ बाड़ी बुला खीवण भोगली वेण बलनी तिल्ली भवर कड़ी, याद रखियो जा। एक बाद में अगली जी की बात है, बा है आपने गले की। गले में बहुत सो लंबू सो ज्ञात करना है कि लुगाया का सबसे ज्यादा गले का आभूषण है। कि का? गले का। गले में देखो, आलरो जालरो मुठ, ऐसे ही बोलोगे आलरो जालरो मुठे चंपा कली के गले में तुलसी ठुसी ताती होके असली चौकी ऊपर अमेल फेंक दी मान लिया तुसी पोसरी तिमणिया खाट लो बाड़ लियो खाट लो ठूस लियो, ये बोल दियो तिमणिया खाट लो बाड़ लियो खाट लो ठूस लियो। फिर ताई निम्बोली खाके निगोदरी हो रही, ताई निम्बोली खाके निगोदरी हो रही बटन फाड़ के हंसी और होद में जुगाड़ से नक्शो बना रही हाँ कर खिवली टेवटो छेड़ो बजटी आड़पोट थम्यो, बजटी आड़पोटे थम्यो। दोबारा बोलांगा, आलरो जालरो मुठे चंपा कली के गले में तुलसी ठुसी ताती होके असली चौकी ऊपर अमेल फेंक दी मंदलिया तुसी पोसरी तिमणिया खाट लो बाड़ लियो खाट लो ठूस लियो। फिर आई निमोली खाके निगोदरी हो रही बटन फाड़ के हसी ओद में जुगाड़ से नक्शो बनारी हाँ कर खिवली टेवटो छेड़ो बजटी आड़पोटे थम्यो, याद हो गया। एक बाद में देखियो, चंपाकली का चंपाकली होगा, आलरो का आलरा हो सकता है, जालरा हो सकता है, मूठ हो सकता है, चंपाकली का चंपाकली होगा, तुलसी का तुलसी, ठुसी का ठुसी, तंती है असली है चुक्की है मेल है मंदलिया तुसी पोत है सरी है तिमणिया खाट लो बाड़ लो फिर ठूस लो ठूस लो। ताई से हो गया, इसमें तंग ताई खाके छोड़ दियो निगोदरी का निगोदरी हो सकता है निगोदरा हो सकता है और ही छोड़ दियो बटन का बटन फाड़ का होगा यहाँ पे पाट आसी का हांस होगा। एक बाद में ओद का ओद होगा जुगाड़ छोड़ देना नक्शो छोड़ दियो जुगाड़ छोड़ दियो ओद रहे इसमें नक्शो में नक्श होगा क्या होगा नक्श बनारी छोड़ दियो आकर आकर होगा खेवली होगा टेवटो होगो छेड़े होगो। एक बाद में बस्ती होगा आठ फुट हो गया थम्यो की जगह ठड्डो या थड्डे होता है थड्डा क्या होता है थड्डा तो थड्डे हो गया। इसके बाद देखिएगा अगला अपने गले के बाद अपन बात करते हैं कमर किसकी कमर कमर में एक नॉर्मल सी बात याद रख लो देखो नाम भी आ जाओ कमर में कणकति के कंदोरे में कर धनी की कमर चौथ में सटकी तो क्या आ गयो कमर तो क्या कहिए कमर का के कहो कणकति के कंदोरे में कर धनी की कमर है चौथ में सटकी तो एक तो आ गई कणकति एक आ गई कंदोरो एक आ गई करधनी और कमर का आभूषण है एक आ गई चौथ एक आ गया सटकार सटकी सटकोरे सटकी पानी वाली सटकी को नहीं ध्यान रखियो एक आभूषण है कदे नहीं सोचो सटको सटकी हुए कद छोटी हो तो सटकी बुड्डो हो तो सटको ए सटको सटकी है ना ए आभूषण है ऐसा। एक बाद में देखो आंगली के का याद रखना ही आंगली आंगली में अरसी मुरसी रो दामनो लग गयो के बोले हो आंगली में अरसी मुरसी रो दामनो लग गयो पवित्री छल्ला पहन के छड़ा छाप छोड़गी पवित्री छल्ला छल्ला पहन के छड़ा छापे छोड़गी और अंगूठे मावे आपने अंगूठ लो के कहो आंगली में अरसी मुरसी रो दामणो लग गयो और पसंद नहीं है तो पवित्री छल्ला पहन के छड़ा छापे छोड़गी भाई तो एक तो छड़ो होगी और एक छाप होगी छोड़गी छोड़गी एक बाद में छल्ला होगी और एक होगी अपने पवित्री आंगली में अरसी मुरसी रो दामणो लग गयो पवित्री छल्ला पहन के छड़ा छापे छोड़गी और अंगूठे में अंगूठे मोगो अपने अंगूठ लो ए क्या कहीं आंगली का। एक बात देखियो आगली जी की बात पढ़ना आप आंगली के बाद में आ गई हाथ की कलाई बे कोनी कि मेरे हाथों में नोनो चूड़ी है तो वही बात याद रखियो कलाई की बात है नोगरी कंगन गजरा हथपान लेके
नोगरी कंगन गजरा हथपान लेके छैल कड़ों के साथ गोखरू स्टेशन पहुंच। ले भाई छोरी जावेगी आज तो, नोगरी कंगन गजरा हथपान लेके छैल कड़ों के साथ गोखरू स्टेशन पहुंच। एक बाद में जी छोरी भैया भागी लेके, एक बाद में उनकी दादी गावेगी गीत के चूड़ी ढोपली बल्ल्या चाट बिलोरी। के कहवागी चूड़ी ढोपली बल्ल्या चाट बिलोरी, सावण में मोकड़ी कातर उतारी, सावण में मोकड़ी कातर उतारी। के कहो नोगरी कंगन गजरा हथपान लेके गोखरू स्टेशन पूंछ, छैल कड़ों के साथ गोखरू स्टेशन पूंछ। भाई सोना मोना बाबू किसके साथ चली गई? छैल कड़ों के साथ चली गई। गोखरू यानी के बोलो नोगरी कंगन गजरा हथपान लेके गोखरू छैल कड़ों के साथ गोखरू स्टेशन पूंछ। दादी ने पाट्यो बेरो तो दादी कहो चूड़ी ढोपड़ी बल्ल्या चाट बिलोली, सावण में मोकड़ी कातरे उतारी। तो एक तो नोगरी हो गयो, कंगन हो गयो, गजरा हो गयो, हथपान हो गयो, छैल कड़ा हो गया और गोखरू हो गया और स्टेशन छोड़ दे और पूंछ छोड़। पूंछ से आपने दो गया तो पूंछ रेके पूंछियो, पूंछ या फिर पूंछियो। एक बाद में चूड़ी से चूड़ी होगी, चूड़ी है ना, चूड़ी चूड़ी को चूड़ी होगी, चूड़ी है ढोपली ढोपला हो गयो, ढोपली या फिर ढोपला, बल्ल्या मतलब चूड़िया ही हुए। चाट बिलोरी, चाट और बिलोरी, सावन से हो गया सावन पान, मोकड़ी का मतलब मोकड़ी हो गए। एक बाद में कातर से कतरिया हो गयो और उतारी को उतरनी हो गयो, क्या हो गयो उतरनी। अब देखो एक बात ध्यान रखियो कि सब चूड़ियों को प्रकार हो गए, सफेद चूड़ी बिलोड़ी, रबड़ चूड़ी बल्ल्या, काच चूड़ी कतरिया, लाख चूड़ी मोकड़ी, सोना चूड़ी बंगड़ी। तो ईब चलो अपने चूड़ी बेचो भाई, सफेद चूड़ी बिलोड़ी, रबड़ चूड़ी बल्ल्या, काच चूड़ी कतरिया, लाख चूड़ी मोकड़ी, सोना चूड़ी बंगड़ी। अया दो तीन बार बोल दियो याद हो जाएगा, के बोले है सफेद चूड़ी बिल्लोड़ी ही, रबड़ चूड़ी ही बल्ल्या, कांच चूड़ी कतरिया, लाख चूड़ी मोकड़ी ही, सोना चूड़ी बंगड़ी, सोना चूड़ी बंगड़ी। के बोले सफेद चूड़ी बिल्लोड़ी ही, रबड़ चूड़ी ही बल्ल्या, कांच चूड़ी कतरिया, लाख चूड़ी मोकड़ी ही, सोना चूड़ी बंगड़ी। याद हो कु नहीं हो? या बिल्कुल याद उगे। इनका बात देखियो अपने चूड़िया का बात देख लियो, चलो बाजू की बात कर लिया। क्योंकि बाजू की देखो बाजू ओ वैसा कौन सो ओ बाजू है, बाजू में देखो कौन सा हुए, कतरिया तक महानवरतन ठड्डा अणता पट। अ बोलोगा कतरिया तक महानवरतन ठड्डा अणता पट, फिर बोलो कतरिया तक महानवरतन ठड्डा अणता पट, चुड़ली बुज बंद हार पंद फुंदा अणकड़ी खाच बह रखो। कि बोले कतरिया तक महान नवरतन ठड्डा अणत पट, चुड़ली बुज बंद हार पान फुंदा अड़कणी खाच बह रखो, आरत बट्टा बहु सिंगार बिजायट। इसको कैसे बोलोगे? आरत बट्टा बहु सिंगार बिजायट, ऐसे बोलोगे याद होगा। क्या बोलोगे? आरत बट्टा बहु संगार बिजायट। याद हुआ कि नहीं हुआ? याद करना पड़ेगा, बार बार साथ बोलना पड़ेगा। कतरिया तक महानवरतन ठड्डा अणत पट, चुड़ली भुज बंद हार पान फुंदा अड़कणी खाच बह रखो, आरत बट्टा बहु सिंगार बिजायट। याद हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। इसके बाद देखो पैर की आंगली, पैर की जी की आंगली है उम एक तो बिछिया पैरी जावे, बिछिया फुलरी गोर लक्षण है पगपान। के बोलोगा बिछिया फुलरी गोर लक्षण है पगपान, क्या बोलेगे? बिछिया फुलरी गोर लक्षण है पगपान। याद हुआ कि नहीं? बिछिया फुलरी गोर लक्षण है पगपान। एक बाद में पैर की लास्ट में जी के पैर की आंगलियां से ऊपर भाग में पैरी जागे बन बोलांगा आप एक सागे का आभूषण। याद रखियो मैं क्या नकुम आंवला में नपुर टन क्या, मैं क्या नकुम आंवला में नपुर टन क्या, नेवटी ने कड़लारी झांझर में हीरा लंगर लच्छा तोड़ी। क्या बोलेंगे? मैं क्या नकुम आंवला में नपुर टन क्या, नेवटी ने कड़लारी झांझर में हीरा लंगर लच्छा तोड़ी। दोस्तों मैंने पूरा टॉपिक आपको याद करवा दिया है, आप और अपने दोस्तों को शेयर करिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा पढ़ाया गया, यानी गीत के रूप में इसको याद करिएगा। एक एक चीजें आप लोग अगर शेयर करेंगे, मोटिवेट करेंगे तो आपके लिए और बेटर वीडियो बना लेके आएंगे। दोस्तों नमस्कार, इसी के साथ मिलेंगे अगले ब्रेक के बाद।